Good morning, children. In previous class, we learnt till phase 20. We started a new chapter, that is lesson number 2, A Ride to School. But today, I will again start from the beginning. You know that yesterday I gave you the activity work also, okay? Previous class में हमने second chapter start किया था, A Ride to School. और हमने तो 20 पेज पूरा कर लिया था, लेकिन आज मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है? It is 6 o'clock in the morning. Tina's mother wakes her up. Tina, get up or you will be late for school, she says. Tina gets ready to go to school. Her father walks Tina to the bus stop. इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं. टीना की मम्मी टीना को उठा रही हैं. टीनास मदर वेक्स हर अप, मतलब टीना की मम्मी टीना को उठा रही हैं. टीना, गेट अप और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, शी सेज. उसकी मम्मी क्या कर रही है? टीना, उठ जाओ, नहीं तो तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा. टीना गेट्स रेडी टू द स्कूल, मतलब टीना स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है. हर फादर वॉक्स टीना टू द बस स्टॉप, उसके पापा उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पेज, एंड दैट इज पेज नंबर 21. व्हेन दे रीच, मीशा, रिया, अली एंड आमिर आर ऑलरेडी देयर. ऑल ऑफ देम वेट फॉर द बस. व्हेन दे रीच, रीच मतलब पहुंचना. जब वे पहुंचते हैं, मीशा, रिया, अली और आमिर वहाँ पे पहले से ही हैं. ऑलरेडी देयर मतलब वहाँ पे पहले से बस स्टॉप पे बस के लिए वेट कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम वेट फॉर द बस, वेट मतलब इंतजार करना, बस के लिए इंतजार करना. सब लोग बस के लिए वेट कर रहे हैं कि बस आएगी तो हम उसमें बैठ के स्कूल जाएंगे. सून द बस कम्स, दे स्टैंड इन ए क्यू. द बस स्टॉप्स, मोहन द हेल्पर ओपन्स द डोर. He helps the children climb into the bus. Tina and her friends take their seats. Soon the bus comes. मतलब तुरंत बस आ जाती है. They stand in a queue. Queue मतलब लाइन से, कतार. हम लोग ना लाइन से खड़े होते हैं ना, जैसे हम स्कूल में लाइन फॉर्म करके आप जाते हो असेंबली में, उसी तरह से हम बस के लिए भी क्यू में खड़े रहते हैं. Q-U-E-U-E, ये आपके लिए न्यू वर्ड है. Q means लाइन में, कतार में खड़े रहना. बस रुकती है. मोहन हेल्पर ओपन्स द डोर. उनका जो हेल्पर है, मतलब जो बस में बच्चों को चढ़ाते उतारते हैं ना, उनको हम हेल्पर बोलते हैं, जो मदद करते हैं हम बच्चों की, बच्चों को ऊपर चढ़ाने में और उतारने में. वे ही हेल्प द चिल्ड्रेन क्लाइम टू द बस. क्लाइम मतलब चढ़ना. मोहन जो हेल्पर है वो बस से नीचे उतरता है और बच्चों को ऊपर चढ़ने में मदद करता है. हेल्प द चिल्ड्रेन क्लाइम इन टू द बस, मतलब मोहन बच्चों को ऊपर चढ़ने में मदद करता है. टीना एंड हर फ्रेंड्स टेक देयर सीट्स. टीना और उसके जो फ्रेंड्स हैं वे अपनी अपनी सीट ले लेते हैं, मतलब अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं. टीना एंजॉयज द राइड टू स्कूल वेरी मच. राइड मतलब सवारी. बस में बैठ के जो हम जाते हैं ना, उसकी जो आनंद आता है उस सवारी का, उसे बोलते हैं राइड. टीना स्कूल की जो राइड है बस में, मतलब जो बस की सवारी है उसके स्कूल जाने की रास्ते में, वो उसे बहुत एंजॉय करती है, मतलब बहुत आनंद लेती है, बहुत मजे लेती है. रिया एंड आमिर स्टैंड अप. मोहन टेल्स देम, सिट डाउन चिल्ड्रेन, डू नॉट वॉक व्हेन द बस इज मूविंग. रिया और आमिर तभी जब बस में चल रही होती है खड़े हो जाते हैं. मोहन उनको बोलता है सिट डाउन चिल्ड्रन, मतलब बैठ जाओ बच्चों. डू नॉट वॉक व्हेन द बस इज मूविंग. मोहन उन्हें बताता है कि बच्चों बैठ जाओ, जब बस चल रही हो तब हमें बस में नहीं चलना चाहिए. क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है. इसे कभी भी चलती बस में, हमें बस के अंदर भी नहीं चलना चाहिए, हमें अपनी सीट में बैठे रहना चाहिए. ओके. द चिल्ड्रेन रीच स्कूल एंड गेट डाउन फ्रॉम द बस. बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और बस से नीचे उतरते हैं. गेट डाउन मतलब नीचे उतरना. गेट डाउन इसका मतलब भी होता है बच्चे
बस से नीचे उतर जाते हैं। दे गो टू देयर क्लासेस हैप्पीली, नीचे उतरते हैं फिर अपनी अपनी क्लासेस में खुशी खुशी चले जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, दिस मच फॉर दिस सेशन एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू रीड दिस चैप्टर पेज नंबर 20 and 21। आपका आज का होमवर्क है, आपको पेज 20 और 21 की रीडिंग करनी है। आप रीडिंग करोगे तो आपको आराम आगे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। ओके, होमवर्क आपको है रीडिंग। क्या कौन से पेज है? पेज 21 and 22। ओके, और नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द हार्ड वर्ड्स। अगले क्लास में हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स, हार्ड वर्ड्स होते हैं वो आपको लिखाएंगे और उनको अच्छे से मीनिंग समझाएंगे। ओके चिल्ड्रन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।